नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। नोएडा में रहने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने चेतावनी जारी कर दी है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। इस डेट के बाद अगर कोई भी पेट्स का पंजीकरण कराएगा तो उसे एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी। अथॉरिटी ने कहा है कि पेट्स को लेकर अपनी नई नीति को लागू करते हुए हर पेट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर साल ₹500 का भुगतान करना होगा, जो कि हर साल अप्रैल में देना होगा। इसके साथ ही ये रजिस्ट्रेशन नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक नई नीति में पालतू जानवरों की नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से बयान जारी किया गया है कि जो भी ऐसा नहीं करते हैं पेट्स के मालिक को हर महीने ₹2,000 का जुर्माना देना होगा। बयान में ये भी कहा गया है कि किसी का पालतू जानवर अगर किसी व्यक्ति को घायल कर देता है तो ऐसी स्थिति में मालिक को घायल के इलाज के खर्च के अलावा पीड़ित को ₹10,000 का मुआवजा भी देना होगा। अथॉरिटी के बयान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने पेट का 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उस व्यक्ति पर ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 28 फरवरी के बाद पंजीकरण कराने पर ₹700 रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। लिहाजा 31 मार्च तक रोजाना ₹10 की दर से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 31 मार्च के बाद देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान है। नोएडा प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि शहर में आवारा डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण करेगा। इस काम के लिए दो विशेष एजेंसियां और जिला अस्पताल हैं। ताज़ा अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।